देते हैं कि आपने हम सबों को भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ पर एकत्र किया, हम सबों को मिलने का अवसर दिया, तेरी महिमा और स्तुति करने का समय दिया। प्रभु हम तेरे सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे साथ रहे। विशेषकर हम सदैव फादर अंद्रेस के जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए आगे के उनके भावी जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष और कृपा सदा उन पर बनी रहे। हम यह कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण हो तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। तेरी सांत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापी के लिए छोड़ा है जहान नीच मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, धुआ धुआ तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम एक। ओ, 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 फिर से उड़ चला पिट्टी जैसे सपने ये कितना भी पल जाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूं, किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं। क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। हमारे खुशी से झूमेला
स्कूटी का Seminary, Kolkata.
धन्यवाद देना सभों के लिए महत्वपूर्ण है और आज जब मैं यहाँ एकत्रित सभों के नाम पर या तो सभों को ये धन्यवाद चढ़ा रहा हूं तो एक घटना मुझको याद आती है। एक बार एक नया पुरोहित ऑलरेडी कुछ लोग मुस्कुराना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनके पास कितना बार रिपीट कर चुका हूं कंठास हो गया होगा इसलिए एक बार एक नए पुरोहित बगडोगरा से इधर से गुजर रहा था मैलाड़ी जोत या तो घुसपुकुर तरफ जा रहा था और शाम हो चुकी थी और लॉकडाउन का समय था। जैसे ही गुजर रहा था तो एक सुंदर लड़की बिहार मोड़ पर खड़ी थी। अब गाड़ी नहीं थी जिसके कारण उसको जाना था, शाम हो चली थी तो जैसे ही वो फादर को देखी क्योंकि वो नया बाइक में था, जैसे ही उधर से आ रहा था तो हाथ दिखाई फादर जी बोलते, तो फादर आगे स्टाइल से जाता है खड़ा करता है, उसके बाद में मिरर पर देखता है और पहचान लेता है कि वो तो डांगी बस्ती की है तो वापस लेके आता है और उसके पास पूछता है क्या हुआ। फादर जी मैं ना घर जाना चाहती हूँ लेकिन आज के दिनों में कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कृपया क्या मुझको डागी तक अर्थात मोनी मोड़ तक पहुंचा देंगे, तो जरूर बोलता है, खुश हो जाता है फादर जी, बैठने बोलता है और बड़े स्टाइल से आता है मोनी के पास खड़ा होता है और जैसे ही उतरती है और लड़की टुमुक टुमुक करके चलने लगती है। फादर अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, आगे चलता है और उसको कुछ याद आता है, वापस आता है पुनः और लड़की को बोलता है सुनो ना बोलते बुलाता है, तो जैसे आती है तो क्या करता है, एक काम छूट गया था आप बैठ जाइए ना बोलता है। वो लड़की ना बहुत खुश होती है क्योंकि मोनी मोड़ से काम करीबन 400 मीटर यहाँ अंदर फादर तो घर तक पहुंचा देगा, ड्रॉप कर देगा बोलते, लेकिन फादर क्या करता है जैसे ही गाड़ी में बैठाता है और वापस सीधे फुल स्पीड में लेके जहां से उठाया था वहीं पर ड्रॉप कर देता है। अब बताइए फादर साहब क्यों इसे किया होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ना थैंक यू नहीं बोली थी वो। अगर आज मैं आप सबों को धन्यवाद ना बोलूं या तो थैंक यू ना बोलूं तो मुझको कितना अच्छा मार्च करके लाया गया, मुझको तो मंत्री फीलिंग्स हो रहा था सुबह ही। उसके बाद में जैसे ही मोड़ पर पहुंचा भव्य तरीका से मुझको वहां से नाचते हुए यहां तक लाया गया, फिर से अलग हर समय कितने अच्छी से स्वागत किए। अगर मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा तो मुझको भी उसी प्रकार वापस ले जाएंगे। तो मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर विशेष रूप से सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इतने दिनों के बाद में भले ही इंतजार करवाया लेकिन सब कुछ अच्छा से होने लगा, इसलिए मैं ईश्वर को तहे दिल से अपने सारे आशीष के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ दोनों बिशप सबको जिन्होंने उनके नेतृत्व में मैं अपना पढ़ाई पूरा किया, फादर बिशप थॉमस डिसूजा आर्च बिशप और बिशप विंसेंट आय, उसके साथ साथ जितने भी पुरोहित हैं शुरू से अंतिम तक, कुछ फादर साहब अधिक सहायता किए कुछ फादर साहब कम सहायता किए लेकिन सबको अपना सहायता प्रदान कर मुझको आज तक यहाँ तक लाने में मुझको मदद की, मैं इसलिए उनको
उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता हूँ और धन्यवादी के योग्य हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे इस गांव के निवासियों को, क्योंकि अगर मैं तो कितना लक्की हूँ कि इस गांव में जन्म हुआ। भले कुछ बोला जाता था, लेकिन मैं आज अपने को एक गर्व महसूस करता हूँ कि मैं डांगी बस्ती में जन्म लिया। बहुत बार कहा जाता था कि क्या डांगी बस्ती से भी कोई फादर बनने गया है, बोलते वही ईश्वर की वचन को मैं हमेशा याद करता था, क्या नाजरे से भी अच्छा चीजें आ सकती है, ईश्वर को भी कहा गया था। इस गांव के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हर क्षेत्र में मेरी मदद की है, ना केवल आज के दिनों में, लेकिन जब भी मैं वापस आता था तो हर समय मुझसे मिलकर अपने सुख दुख को बांटते थे और अच्छे बातों से मेरा दिल को मोह लेते थे। इसलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं और देता हूं। यहां उपस्थित प्रत्येक फादर साहब जो यहां पर आए थे आज के निशा में, बहुत सारे फादर वापस चले गए हैं, उनको भी धन्यवाद। सभी सिस्टरों को धन्यवाद जो आज चले गए हैं, और आज यहां उपस्थित सभी मेहमान को मैं आप तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने अपना प्यार बहुत ही दिखाया है, जिससे ऐसे लग रहा है कि आज ही मेरा अभिषेक हो रहा है। लेकिन धन्यवाद का ये विषय ऐसे लग रहा है कि इतने प्यार बांटने के लिए आप लोग आए हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे परिवार से प्यार नहीं करते, तो शायद ही यहाँ पर आते, लेकिन आपका प्यार इसी में झलकता है। इसलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पल्ली के फादर, फादर मतियास, फादर माइकल और जितने भी सदस्य हैं, सबों को, प्रचार को, सिस्टरों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर आज के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए, समय दिए, और बहुत सुंदर आज का यह दिन हुआ है। अंत में मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं चांद से तो चांदनी नहीं मांग सकता, क्योंकि स्वयं देती है। सूरज से तो प्रकाश नहीं मांग सकता हूं, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है किरणें बिखरने लगती है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ मांग सकता हूं, वो है आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना, ताकि मैं आने वाले दिनों में ईश्वर की और आप सबों की सेवा पूरे ईमानदारी और पूरे भक्ति से कर सकूं, जिससे ईश्वर का राज दिनों दिन हम सबों के बीच बढ़ती जाए और ईश्वर का प्यार हमारे बीच में आ जाए। इतना ही कहकर मैं पुनः सबों को धन्यवाद और जय।
रंग बिरंगे बहनों